अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। दोस्तों मैंने कहा अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो हल्दी का पौधा होता है वो कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं सामने, ये हल्दी है जो हम लोग अपने खाना बनाते हैं उसमें डालते हैं। इसका अगर पत्ता देखा जाए तो ये जैसे ये केले का पौधा होता है सेम वैसे ही शक्ल है, ये देखें। तो ये हल्दी है, इसके नीचे हल्दी बन रही होगी, गठियाँ इसकी जो होती हैं। तो ये साल पूरा तकरीबन लग जाता है, ये अभी गंदम की बिजाई स्टार्ट होने वाली है। तो ये गंदम जब पक जाएगी तो तब जाके ये क्लियर होगा, जैसे मई में, अप्रैल मई में या जून में इसको ना निकालेंगे, इसकी जो नीचे हल्दी वगैरह होगी वो फिर पटाई इसकी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये पहली बार लगाए हैं। ये जैसे इतनी एरिया ये लगाया हुआ सारा हल्दी का, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी दिखाऊं। कुछ लोगों को पता है हल्दी कैसे होती है जो भी है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी हैं हमारे जो सिटी में रहते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कि पौधा कैसा है। वैसे यकीन माने कि मैं भी देहात का रहने वाला हूँ, विलेज का, और मैंने पहली बार ये देखा है पौधा, मुझे नहीं पता था इसका, क्योंकि हमारे एरिया में ये उगाई नहीं जाती इसलिए। तो पौधे भी इसके माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, केले की शक्ल के इसके पत्ते हैं सारे। और हल्दी तो वैसे बहुत ज़बरदस्त होती है खाने के लिए, जोड़ों दर्दों के लिए, वैसे भी अगर खाने में हल्दी ना डाला जाए तो मज़ायका ही नहीं होता। चलें, ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आएगी। तो ये देख लें, वैसे नींबू चाइना का पौधा बड़ा पड़ा माशाल्लाह। तो जाते हुए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें, और कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी लगी है। तो बेल का बटन प्रेस करने के बाद आल पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।